उत्तर प्रदेश से सटा उत्तराखंड और उसका पवित्र शहर हरिद्वार, यहाँ की शांत फिजाए, हर गली नुक्कड़ पर भगवान नाम के जाप देश दुनिया को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन आज उसी हरिद्वार की तस्वीर बदलती दिख रही है। हरिद्वार शहर हलकान है, धर्म नगरी गुनाह के उस दलदल में धसती जा रही है, जहाँ बढ़ते अपराध से जनता सहमी है, खौफ जदा है। आप भी देखिए हरिद्वार में मचे हड़कंप की खौफनाक तस्वीर। धर्मनगरी हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्हें मानो पुलिस का कोई खौफ ही ना रह गया हो। थाने के बराबर में रहने वाले एक सराफा कारोबारी और उनके बेटे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने गुरुवार देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। नौ अप्रैल यानी गुरुवार की रात हरिद्वार के बाशिंदे सर्राफा कारोबारी प्रदीप शर्मा और उनका बेटा राजन शर्मा दुकान बंद कर अपने घर की तरफ रवाना हुए और जैसे ही थाना कनखल में पड़ने वाले विष्णु विहार इलाके में स्थित अपने मकान के नजदीक पहुंचे, तभी ज्वेलर प्रदीप शर्मा और उनके बेटे राजन शर्मा पर ठीक थाना कनखल के सामने यानी उनके घर से महज 100 कदम की दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी प्रदीप शर्मा और उनके बेटे राजन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ज्वेलर प्रदीप शर्मा के पेट में और उनके बेटे राजन के हाथ पर गोली लगी। अज्ञात बाइक सवार उन दो बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां दागी। इस बीच अपने और पिता के बचाव के लिए राजन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बदमाशों पर काउंटर फायरिंग की। बदमाश खुद पर गोलियां बरसता देख भाग खड़े हुए, लेकिन थाना कनखल के ठीक सामने सरेराहा गोलियां चली तो हड़कंप मच गया, इलाका थर्रा उठा। तुरंत जख्मी सर्राफा कारोबारी प्रदीप और उनके बेटे राजन को हरिद्वार के जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, मगर ज्वेलर प्रदीप शर्मा की हालत बेहद नाजुक थी। जिला अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद दर्द से बिलखते प्रदीप शर्मा को देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर किया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने अपनी तसल्ली के लिए जख्मी राजन को भी जॉली ग्रांट के लिए रेफर किया। गनशॉट इंजरी के और दोनों में से एक जो सीरियस हैं उनका नाम श्री प्रदीप कुमार शर्मा है, उम्र लगभग 58 वर्ष है और उनके पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा जी है और ये जो है कंकल थाने से आए हैं। और दूसरे श्री राजन शर्मा जी हैं, उम्र 32 साल, उनके बेटे श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी के जो है पेट में गोली लगी है सीधी तरफ और बाएं तरफ कोहनी की तरफ लगी है और उनको रेफर किया गया है जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के लिए। और दूसरे जो हैं श्री राजन शर्मा, उनके सीधी अपर आर्म में गोली लगी हुई है। जख्मी सर्राफा कारोबारी प्रदीप शर्मा और उनके बेटे राजन का इलाज जारी है, लेकिन सरेराहा थाना कनखल के सामने गोलीबारी बदमाशों की बेखौफियत का परिचय है, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं कि खाकीधारी सामने है और वो जुर्म करने पर आमादा है। इलाके के लोग वारदात से खौफजदा हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी मैं खाना बना रही थी, ये लड़का खाना खा रहा था, इसके पापा भी खा रहे थे खाना, एकदम आवाज सुनी, पहले हमने सोचा कि पटाखा बजाए, फिर उसके बाद आवाज आई कि एकदम चिल्लाने की, हमने सोचा था बच्चा जल गया है कोई, उसके बाद एकदम स्कूटी अलग पड़ी, भाई साहब अलग पड़े थे, इधर तीन चार फायर हुए। हाँ जी, क्या लगता है सुरक्षित समझते हैं आप लोग अपने आप को, यहाँ पे रह रहे हैं, पुलिस थाना बिल्कुल बगल में है, कितना सुरक्षित मानते हैं? अब तक तो समझ रहे थे कि सेफ है हम, लेकिन अब लगता है अब सेफ नहीं है। मौकाए वारदात पर हरिद्वार की SSP साहिबा भी आई, जुर्म के निशान से वाबस्ता हुई, लेकिन वारदात क्यों और किसने अंजाम दी फिलहाल पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय है। लूटपाट बदमाशों का मकसद था या फिर कोई दुश्मनी थी, सर्राफा कारोबारी बाप बेटे से पुलिस जांच का दंभ भर रही है। आज शाम को करीब 9:20 के करीब कंखल में प्रदीप शर्मा और उनके बेटे हैं राजन, सराफा व्यापारी हैं, अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ स्कूटी पे आ रहे थे।
तब उनको फायर उन पे बाइक सवार बदमाशों ने फायर झोंका। राजन के पास अपना भी लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उसने उससे फायर किया और उसके बाद बदमाश यू टर्न लेकर भाग गए। और अभी प्रदीप शर्मा जी और राजन दोनों ही खतरे से बाहर हैं और सुरक्षित हैं अस्पताल में। तो क्या कोई लूट का प्रयास था, क्या था कुछ पता? लूट का प्रयास बिल्कुल नहीं हुआ है। फैमिली से डायरेक्टली अभी बात नहीं हो पाई है कि किस वजह से, कारण क्या हो सकता है, मोटिव की अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई है तो हमारी सघन चेकिंग जारी है और हमें उम्मीद है कि ये बाइक और बाइक सवार जो है, जो भी बाइक यूज हुई है, वो हम जल्दी पकड़ लेंगे। सरेआम सरेराहा थाने के सामने संगीन वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। व्यापारी लोग पुलिस से नाराज हुए, पुलिस की जमकर लानत मलानत की गई। थाना कनखल की पुलिस पर सवालिया निशान लगाए। थाने के बाहर व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। चार उन पर फायर की गई एसओ साहब की तरफ से जो सूचना दी गई है, और बताया गया कि एसओ साहब ने आवाज सुनी, उसके बावजूद थाने से कोई सिपाही और कोई दरोगा, कोई एसओ वहां पर तुरंत नहीं गया, बल्कि थाने के अंदर छुपे रहे। और इतना ज्यादा इन्होंने शहर के अंदर क्राइम होने के बावजूद नहीं पूछने, 100 कदम बराबर में होता है एसओ साहब के गेट जहां खुलता है कमरे का, उसके सामने वो घटना घटी, उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया। वारदात के अगले दिन यानी शुक्रवार को नाराज व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह से बंद रखे, आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई, साथ ही पुलिस प्रशासन को जगाने की कोशिश भर भी की। ये बाजार इसलिए बंद करा गया है, एक तो पुलिस के खिलाफ बंद करा गया है, पुलिस की निष्क्रियता के लिए करा गया है। एयर व्यापारी एकता का प्रतीक है। आज से पहले बाजार कभी इतना बड़ा बंद नहीं हुआ जो आज हमने ये बंद कराया बाजार व्यापार मंडल ने। पुलिस इसमें कुछ नहीं करती है, रिजल्ट शाम तक 48 घंटे का पुलिस ने कल एसओ साहब ने टाइम दिया था, अगर नहीं करते हैं तो फिर इससे ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार के थाना कनखल इलाके में 10 दिन के भीतर दो बड़ी वारदातें। पहले 30 मार्च की शाम पतंजलि पीठ की फूड एंड हर्बल यूनिट के असिस्टेंट मैनेजर का मर्डर। बाइक सवार बदमाशों ने खौफ फैलाया और फरार हो गए। और अब एक बार फिर 9 अप्रैल की रात थाना कनखल इलाके में सर्राफा कारोबारी बाप बेटे पर जानलेवा हमला, तो हड़कंप मच गया। धर्म नगरी हरिद्वार में बढ़ता अपराध इस ओर इशारा कर रहा है कि अपराधियों के इरादे पूरी तरह से हरिद्वार में खौफ फैलाने के हैं और उनके निशाने पर निर्दोष जनता है। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र की जनता और व्यापारियों में भारी रोष है। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए व्यापारियों ने शुक्रवार से बाजार बंद का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस फरार हमलावरों को कब तक गिरफ्तार कर जनता के गुस्से को शांत करती है। तनुज वालिया, समाचार प्लस, हरिद्वार। 5 साल पहले एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे संदिग्ध हालत में गुमशुदा क्या हुए, परिवार का हर शख्स हलकान हो उठा। लापता परिवार की तलाश में हर कोई खाक छानने पर मजबूर हो गया, मगर 5 साल बाद तलाश उस मकाम पर जा पहुंची जहां एक भाई ने अपनी उसी भाभी को भाई का कातिल करार दिया जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। मगर किस लिए, ये देखिए पूरी रिपोर्ट। जी हाँ, बरेली के थाना बारादरी का रहने वाला राजकुमार, उसकी बीवी गुड़िया और दोनों बच्चे 5 साल पहले अचानक लापता हो गए। लाजमी है 5 साल पहले राजकुमार से जुड़ा हर शख्स परेशान हुआ होगा कि आखिर राजकुमार, उसकी बीवी गुड़िया और दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए। लिहाजा राजकुमार के छोटे भाई प्रेम प्रकाश ने लापता राजकुमार समेत पूरे परिवार की तलाश शुरू की। रहस्यमयी परिस्थितियों में गुमशुदा हुए परिवार का कोई सुराग या सबूत नहीं मिल पा रहा था कि आखिर राजकुमार अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ कहां चला गया। मन में शक बना हुआ था कि कहीं किसी साजिश का ताना बाना तो नहीं बुना गया। लेकिन भाई प्रेम प्रकाश ने गुमशुदा भाई राजकुमार, भाभी गुड़िया और दोनों भतीजों की तलाश नहीं छोड़ी,
देखते ही देखते एक साल गुजरा, दो साल गुजरे और गुजरते गुजरते 5 साल का लंबा वक्त निकल गया। लापता परिवार की तलाश में खाक छानते प्रेम प्रकाश ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुलिस से लेकर सरकार तक गुहार लगाई कि उसके गुमशुदा भाई राजकुमार समेत पूरे परिवार की बरामदगी की जाए, मगर ना तो पुलिस नींद से जागी ना ही प्रशासन ने कोई सुध ली। लेकिन 5 साल बाद भाई प्रेम प्रकाश की तलाश खत्म हुई तो एक ऐसा सच उजागर हुआ कि सुनकर हम भी दंग रह गए। इन लोगों ने मिलके हमारे भैया को मार दिया, मारने के बाद उनकी लाश ठिकाने लगा दी। अब भाभी 5 साल से उसी ड्राइवर के साथ में रह रही थी। हम लोगों को पता लगा, हम गए थे थाने, थाने वालों ने मुझे मना कर दिया कि FIR नहीं लिखी जाएगी। फिर हमने कप्तान साहब के यहाँ फेस होके FIR लिखवाई थी। लिखवाने के बाद में अब कुछ वो नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब क्या लगता है कि भाभी भी इन्वॉल्व है? हाँ, भाभी भी इसमें हो सकती हैं। सुनकर हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस भाई राजकुमार, भाभी गुड़िया और दोनों भतीजों की तलाश में प्रेम प्रकाश 5 सालों से खाक छान रहा था, वो गुमशुदा भाभी गुड़िया अपने दोनों बच्चों समेत आशिक के घर से मिली। देवर प्रेम प्रकाश के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि भाभी गुड़िया ने आखिर 5 सालों तक कोई संपर्क क्यों नहीं साधा। मगर उससे भी जरूरी सवाल ये था कि भाई राजकुमार कहाँ है। तो भाभी गुड़िया ने अपने पति राजकुमार के अपहरण से लेकर कत्ल की कहानी सुनानी शुरू कर दी और वो चंद नाम गिनवाए जिन्होंने अपहरण के बाद मर्डर की वारदात गढ़ी। उसमें भाई मेरे को पता लगा, मेरे गांव में एक बड़ा ही काम कर रहा था, उसने स्वयं कहा था कि इस मैटर में, जब पेपर में न्यूज़ पड़ी तो पता लगा कि इसमें इस मैटर में मेरी सादिश है। वहाँ का मेरे परिवार में काम कर रहा था, वो उस छोड़ के काम को भाग गया और इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या लगता है कि उनकी भाभी ने और उन लोगों ने मिलकर मारा? जी हाँ, बताइए। इन लोगों की सबकी सादिश है, भाभी का भी। प्रेम प्रकाश अपनी भाभी गुड़िया को भाई राजकुमार का कातिल करार दे रहा है। किस पूरी साजिश में भाभी गुड़िया ने अपने आशिक के साथ मिलकर खूनी खेल खेला। मगर हैरानी होती है कि 14 फरवरी 2015 के दिन जब भाई प्रेम प्रकाश ने भाभी गुड़िया के खिलाफ हत्या की तहरीर लिखवाई तो पुलिस ने मर्डर का मुकदमा दर्ज करने के बजाय किडनैपिंग का केस लिख दिया। ये मामला तो करीब 5 वर्ष पूर्व का है, इसकी गुमशुदगी दायर की गई थी थाना बारादरी पर, उसके बाद इसका कुछ पता नहीं चला था। करीब 3-4 दिन पहले इसका भाई आबकारी विभाग में जो है, मतलब एम्प्लॉई है यहाँ पे, तो उसने एक तहरीर दी। तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 364 का, मतलब अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसका ये मानना है कि इसके भाई की मृत्यु हो गई है और इसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो इसने तहरीर दी है उस पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है बारादरी में। इसने कुछ शक लगाया है अपने भाभी पे, तो उसका भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तथ्य संजो रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। मामला साहब के संज्ञान में है। हैरानी हो रही है कि अगर राजकुमार का कत्ल हुआ तो आखिर 5 साल तक पुलिस क्यों तमाशबीन बनी रही, और 5 साल बाद जब सच उजागर हुआ तो क्यों ठोस कार्रवाई नहीं की गई? क्या राजकुमार की गुमशुदगी से लेकर मर्डर तक की गुत्थी सुलझेगी? पुलिस के लिए ये वारदात एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। शिक्षा उसका पेशा है, यानी वो शख्स एक प्रोफेसर है, लेकिन उसमें शिक्षक जैसी एक भी खूबी नहीं। जी हाँ, उसने शिक्षक का लबादा ओढ़कर इंसानियत शर्मसार की है। एक मजलूम को झांसा देकर उसके जज्बात का मजाक उड़ाया है, जिस्म से खिलवाड़ किया है, और अब शिकार बनी वो अभागन पापी प्रोफेसर के लिए कानून से सजा देने की आवाज लगा रही है।
टीवी स्क्रीन पर आती एक के बाद एक तस्वीरें आपके सामने है। प्रोफेसर सुनील कुमार और साथ में धुंधली तस्वीर के पीछे कैद उनकी माशूका। लड़की की तस्वीर धुंधली क्यों की गई, इसके पीछे क्या मकसद है, वो कड़ी दर कड़ी आपके सामने आएगा। उससे पहले आपको बता दें कि प्रोफेसर सुनील कुमार और लड़की के बीच मोहब्बत ने दस्तक उस वक्त दी जब दोनों की मुलाकात एक सत्संग में हुई और फिर देखते ही देखते सोशल साइट फेसबुक पर चैटिंग के दौरान प्यार का इजहार। प्रोफेसर सुनील कुमार ने लड़की से इश्क फरमाया तो दावा शादी करने का भी किया। लड़की ने भी आशिक सुनील पर भरोसा किया। प्रोफेसर सुनील कुमार ने माशुका को उसके परिवार के साथ अपने घर बुलाया, शादी की बातचीत की और लड़की के परिवार को विश्वास दिलाया कि वो शादी जरूर करेगा। लेकिन माशुका और उसका परिवार एक गलती कर गया और गलती छोटी मोटी नहीं। प्रोफेसर सुनील कुमार के नापाक इरादे और गंदी साजिश भांप नहीं पाया। शादी करने का झांसा देने वाला प्रोफेसर सुनील कुमार माशुका के जज्बात और जिस्म से खिलवाड़ करता रहा और जब दबाव शादी का पड़ा तो सीधा मुकर गया शादी की बात से। पीड़ित लड़की की जुबानी आप भी सुनिए। हमारे यहाँ एक सत्संग होता है कबीरपंथी गडरिन परवा, वहाँ वो मुझे मिला था, वहीं से हमारी उसकी बातचीत शुरू हुई। उसने मुझे मेरी एजुकेशन पूछी और अपने बारे में बताया और फिर शादी के लिए उसने प्रपोजल रखा, फिर हमारे घर वालों को बुलाया शादी के लिए, तो हमारे घर वाले गए, ठीक है रिश्ता तय है, इस तरह से मतलब बातचीत शुरू हुई। फिर वो हमसे बातें करता रहा और उसने अपने घर पर बोला कि हमारी माँ बहनें आपको देखना चाहती हैं और आप घर पर आइए, तो हमारा भाई लेके गया उनके घर पर, तो जहाँ उसने कमरे में जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए मेरे मना करने के बावजूद। तो आपको शादी का झांसा दिया था? हाँ, उसे मतलब शादी तो हम करेंगे ही, आपसे ही करेंगे, शादी का झांसा दे करके उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण की ये घिनौनी दास्तान कानपुर के थाना कल्याणपुर से जुड़ी है। आरोपी सुनील कुमार जमशेदपुर के किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वहीं लड़की भी फैजाबाद के एक कॉलेज में टीचर है, मगर पापी प्रोफेसर की मोहब्बत में पागल हुई। लड़की भूल गई कि उसकी जिंदगी पापी प्रोफेसर जहन्नुम बना देगा, बदनामी का रंग भर देगा हंसती खेलती जिंदगी में। अब पीड़ित लड़की आरोपी प्रोफेसर सुनील कुमार के खिलाफ सबूत लेकर पुलिस से गुहार लगा रही है कि इंसाफ मिले। फेसबुक पर हुई चैटिंग के प्रिंट आउट लेकर पुलिस के सामने पेश कर रही है ताकि कानून के सिपाही उसे न्याय दिलवाए। मामला हमारा एप्लीकेशन दर्ज किए तो एक महीना हो गया है पर अभी तक उसकी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। क्या करता है? और NIT जमशेदपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मारपीट भी करता था आपके साथ? हाँ, मारता भी पीटता भी था और बीमार हूँ इस तरह से कह के बहाने से बुलाता था कि मैं बीमार हूँ तुम आ जाओ यहाँ पे, और फिर वहाँ मुझे बुलाता था, फिर वही मेरे साथ जबरदस्ती करता था शारीरिक शोषण करने के बाद, फिर मुझे मारता पीटता भी था जब शादी का दबाव बनाते थे, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। मामले पर SSP साहब ने भी संज्ञान लिया और दंभ भरा कि सटीक तफ्तीश कर पीड़ित को इंसाफ, आरोपी को सजा दिलवाई जाएगी। कल्याणपुर थाने की सूचना प्राप्त हुई है जहां पर एक टीचर के ऊपर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा शादी का झांसा देके यौन शोषण की चीज प्रकाश में आई है। इसके अंदर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के बाद तत्काल इसके अंदर विधिक कार्रवाई, मेडिकल सारी चीजें कराई जा रही हैं और शीघ्र इसका निस्तारण कराया जाएगा। SSP साहब के दावे कितने मजबूत हैं पता इस बात से चलता है कि आरोपी प्रोफेसर अभी तक खुलेआम घूम रहा है, पीड़ित न्याय के लिए चक्कर पर चक्कर काट रही है, शादी के नाम पर हुए शारीरिक शोषण की दास्तान मीडिया से बयां कर रही है और उम्मीद जता रही है कि कानून का कोई ना कोई कारिंदा उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर पापी प्रोफेसर को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगा। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। प्यार उस इबादत का नाम है जो आंखों से होकर दिल में उतरता है। मोहब्बत की मंजिल पर चलने वाले प्यार के उन परिंदों ने भी आशिकी की उड़ान भरी। प्यार का रंग गाढ़ा होता चला गया मगर उस मोहब्बत की मंजिल मौत की आगोश में सिमटी तो दो जिस्म से रूह फना हो गई। आप भी देखिए मोहब्बत, मौत और मिस्ट्री की
सनसनीखेज दास्तान। नौ अप्रैल 2015 की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे कासिमपुर थाना से सटे गांव बेहदर में दनादन दो गोलियों की आवाज सुनाई दी तो इस मकान के आसपास रहने वाले पड़ोसी सन्न रह गए। सकपकाई हालत में स्थानीय लोगों ने इस मकान की तरफ रुख किया, घर की चौखट लांघी और कमरे का बंद दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कमरे के भीतर का मंजर देख आंखें फटी की फटी रह गईं, पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देरी किए स्थानीय लोगों ने कासिमपुर पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने भी मामले की गंभीरता समझते हुए मौका वारदात पर हाजिरी लगाई। कमरे के भीतर 22 साल का अमित खून से लथपथ मौत की नींद सो चुका था और माशुका शीलू जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। कासिमपुर थाने के बेहदर गांव में जो है बेहदर का सोने का मकान है, उसमें उनके कमरे में उनकी लड़की के कमरे में उनकी लड़की और एक लड़का है अमित मिश्रा, दोनों लोग जो है थे और वो 12:30 बजे के लगभग जो है वो शायद की आवाज़ आई। बाद में जो है मोहल्ले वालों ने जाकर के उसको दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, देखा जो है कि वहाँ पर अमित मिश्रा की और सीटों के गोली लगी हुई थी। जख्मी माशुका शीलू जिंदगी की जंग हार गई, इलाज के दौरान शीलू की मौत हो गई। मौकाए वारदात से पुलिस ने एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए और केस की उलझी गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में वारदात अंजाम दी गई, गोली किसने और क्यों चलाई। दो लड़के थे और दो इसके साथ लड़की भी थी और लड़की पता नहीं बहन हो या कोई हो सब थी, लेकिन ये दोनों जो है महीने भर एक साल परीक्षा दिया करीब और रुके और एक महीना फिर दूसरी साल परीक्षा दिया रुके और सब। उसके बाद अब की जो है उस कमरे में जो है मास्टर लोग रह रहे थे इसलिए कमरा खाली नहीं था, ये जो है मोहतर पंडित के रहने लगे और इसके बाद में सब आज ये घटना हो गई। माशुका शीलू आशिक अमित से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उस पर जान छिड़कती थी, मगर माशुका शीलू की शादी कहीं और तय कर दी गई। क्या शीलू के पिता को इस रिश्ते की भनक थी? अगर थी तो क्या माशुका शीलू के पिता बच्चे लाल इस रिश्ते के खिलाफ थे? वहीं दूसरी तरफ आशिक अमित के पिता छोटे लाल इस वारदात को हॉरर किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बेटे अमित की हत्या की गई है। प्रेमी अधिकांश जहर खा के या पानी में डूब के या गिर के आत्महत्या करते, आज तक गोली मारे हुए तो सुने किसी ने? क्या लगता है आपको आपकी ये आत्महत्या है या आत्महत्या नहीं, मामला हॉरर किलिंग का है। मृतक आपका क्या था? हमारा पुत्र है, मृतक सबसे छोटा पुत्र है। क्या झूठी शान की खातिर आशिक अमित और माशुका शीलू की हत्या की गई या फिर आशिक अमित ने ही अपनी माशुका शीलू की जान ली? सच क्या है? क्योंकि वारदात के वक्त कमरा भीतर से बंद था और उस कमरे में आशिक अमित और माशुका शीलू के सिवाय कोई नहीं था। मोहब्बत, मौत और मिस्ट्री से जूझती पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि क्या है आशिक अमित और माशुका शीलू की मौत का राज। विनोद कुमार वर्मा, हरदोई, समाचार प्लस।